हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 13 अक्टूबर 2020, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 4, प्रोनाउंस, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो किसके जगह इस्तेमाल किया जाता है, नाउन संज्ञा के स्थान पर। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम एक शब्द है यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। ए प्रोनाउन इज यूज्ड, सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। बिकॉज, क्योंकि रिपीटेड यूज, बार बार इस्तेमाल करना ऑफ द सेम नाउन, उसी एक संज्ञा का, डज नॉट साउंड वेल, कि हम बार बार किसी एक संज्ञा को यूज करते हैं उसकी जगह, उस यूज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, नमिता इज ए नाइस गर्ल, नमिता कैन डांस एंड सिंग, नमिता ऑल्सो प्लेज, नमिता इज फ्रेंडली विद एवरीवन। नमिता एक अच्छी लड़की है, नमिता नाच सकती है, गा सकती है, नमिता खेलती भी है, नमिता का व्यवहार सबके साथ दोस्ती का है, मित्रतापूर्ण है। और देखिए, नमिता क्या है, नेम है, और दिस इज ए नाउन, ये एक संज्ञा है। अभी हम बार बार इसी नाउन को यूज़ करें, नमिता 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 नमिता। अब इस रिपीटेशन बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। नाउ कंपेयर द अबाउट टेक्स्ट विद द गिवन बिलो। नमिता इज ए नाइस गर्ल, नमिता क्या है, फीमेल, ओके। तो इसके जगह हम क्या यूज लेंगे, सी, सी कैन डांस एंड सिंग, तो सी यहाँ पर क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। सी ऑल्सो प्लेज, सी इज फ्रेंडली विद एवरीवन, तो हम बार बार रिपीटेशन से इसका रिपीटेशन करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं नमिता को, उसके जगह हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सी, सी कैन डांस एंड सिंग, सी ऑल्सो प्लेज, सी इज फ्रेंडली विद एवरीवन। सो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन क्या है, नमिता, नमिता हमने क्या यूज़ किया, सी, तो सी क्या है, प्रोनाउन। द वर्ड सी हैज बीन यूज इन प्लेस ऑफ नमिता, नमिता के जगह हमने सी को यूज़ किया टू अवॉइड रिपीटेशन, बार बार नमिता के नाम को दोहराने से। सो सी इज ए प्रोनाउन, तो सी क्या हुआ, एक प्रोनाउन। लेट्स लर्न, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो सरनाम होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे आर, वे हैं, पर्सनल पुरुषवाचक सरनाम या व्यक्तिगत वाचक, तो यहाँ पुरुषवाचक लेंगे। पजेसिव संबंधवाचक, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम रिप्लेस नाउंस दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स, इनके जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, रिप्लेस इनके स्थान पर यूज किए जाते हैं नाउंस, उन स्थान उन नाउंस के, दैट जो कि रेफर संकेत कर टू पीपल लोगों की ओर, और थिंग्स वस्तुओं की ओर, लोग या वस्तुओं पर संकेत करते हैं हम किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस का, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम का। देखिए एग्जांपल, सारिका मीट माय ब्रदर इन द मार्केट, सी टोल्ड हिम द गुड न्यूज़, जो डार्क लेटर्स हैं दीज आर प्रोनाउंस, ओके। सी टोल्ड हिम द गुड न्यूज़, अब देखिए सारिका, सारिका नाउन है, मेट मिलते माय ब्रदर मेरे भाई से इन द मार्केट, मार्केट, देखिए सर के हमने क्या यूज़ किया, सी, तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन। टोल्ड हिम, ब्रदर, ब्रदर क्या यूज़ किया हमने, हिम, तो ये दोनों क्या हुए, प्रोनाउन। द गुड न्यूज़, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू सारिकाज हाउस, मेरा भाई और मैं कहाँ गए, सारिका घर, सारिका ये नाम है, नाउन है, तो देखिए माई ब्रदर एंड आई, इन दोनों से हमने क्या यूज़ किया, वी, ठीक है। अब देखिए, माई ब्रदर एंड आई दो हो गए, प्लुरल हो गए, तो उसके हमने क्या यूज़ किया, वी एंड सारिकाज हाउस, सारिका देखिए हमने क्या है, हर, तो ये दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन, वी एंड हर, ओके। तो सी, हिम, वी, हर, आई, ओके, दीज आर ऑल प्रोनाउंस। तो आई, माई, मी एंड अस आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन, यू, योर, यू सेकंड पर्सन, और ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए, आई, माई, मी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, वी ओवर एस क्या हो गया, इनका प्लूरल हो गया, ओके। आई, माई, मी सिंगुलर है, वी ओवर एस प्लूरल है, तो आई, मी, वी, अस आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, दे रेफर टू द पीपल स्पीकिंग। आई, मी, वी, अस, इसके साथ और क्या होगा, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, दे रेफर, वे संकेत करते हैं टू द पीपल स्पीकिंग, जो लोग बोलते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। यू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू को सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। इट रेफर्स टू द पर्सन, यह संकेत करता है टू द पर्सन, व्यक्ति की तरफ, हु, कौन, द स्पीकर, इसकी बोलने वाला कौन है, इज टॉकिंग टू, किससे बात की जा रही है। इफ़, सॉरी, इट, ही, हिम, सी, हर, दे, देम आर नोन एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिनको थर्ड पर्सन कहते हैं,
दे रेफर टू द थिंग और थिंग्स, वे संकेत करते हैं उन वस्तुओं की तरफ, पर्सन लोगों की तरफ, और पीपल पीपल या पर्सन व्यक्ति या लोग लोगों की तरफ। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, की स्पीकर जो बोलने वाले इज टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है। प्रोनाउंस कैन बी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूचर, ये प्रोनाउंस के टाइप्स हैं। देखिए मैस्कुलाइन हो सकते हैं प्रोनाउन, फेमिनाइन हो सकते हैं मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कॉमन हो सकते हैं सामान्य, न्यूचर हो सकते हैं। ओके मैस्कुलाइन में ही हिम, फेमिनाइन सी हर, कॉमन में आई मी माइन योवर्स वी अस ओवर्स, और नेचर में इट। प्रोनाउंस यूज्ड एज बोथ कॉमन एंड न्यूचर जेंडर, दे देम देयर्स। सेकंड पोजेसिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनरशिप, देखो प्रोनाउंस जो होते हैं पोजेसिव संबंधवाचक आर यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट ओनरशिप, स्वामित्व के लिए, अपना जो हक दिखाना था उसके लिए, हक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन, ये क्या दिखाते हैं, अधिकार या संबंधी हक के बारे में बात करते हैं, ये दिखाते हैं। तो देखिए दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो यहाँ पर क्या हुआ माइन। दैट बुक इज़ योवर्स, वह बुक तुम्हारी है, योवर्स। द बुक ऑन द टेबल इज हिज, टेबल पर रखी बुक उसकी है। द बुक दैट सी हैज इज हर्स, तो देखिए यहाँ पर माइन, योवर्स, हिज एंड हर्स, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है कि बुक मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, इस तरह से, ठीक है। द बुक दैट, वह किताब सी जो उसके पास इज हर्स, उसकी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट्स, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, देखो इशारा करना होगा इस तरह से, संकेत करते हैं और पॉइंट इशारा करते हैं टू द ऑब्जेक्ट्स और पीपल, किसी उपकरण तथ्य या लोगों की तरफ। दिस दैट दीज दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो कौन कौन से हो गए, दिस दैट दीज दोज, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई सिस्टर फ्रेंड्स, ये मेरी बहन के दोस्त हैं, दैट इज द बुक वी रीड, तो दीज दोज दैट दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन, जब द सब्जेक्ट डज, जो करता होता है, डज समथिंग इटसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताता है या करता है। ओके आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। वी हर्ट और सेल्वेज, हमने खुद को चोट पहुँचाई। यू हर्ट योर सेल्वेज, द गर्ल हर्ट हर सेल्फ, द डॉग हर्ट इट सेल्फ, मीन्स कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है करता, आई वी यू द गर्ल द डॉग, ये अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, ओवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मीन्स ये अपने बारे में बता रहा है करता, अपने बारे में कि मुझे चोट लगी या हमें लगी, इस तरह से। ओके सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर रिप्लेस्ड इमीडिएटली, कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है जो कि तुरंत ही रिप्लेस किए जाते हैं आफ्टर द नाउन संज्ञा के बाद, टू एम्फेसिस समथिंग, किसी चीज़ पर महत्व बल देने के लिए, बल देने के लिए, दीज आर कॉल्ड एम्फेसिस इन प्रोनाउंस। एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने मुझे खुद यह बताया। तो देखिए ही नाउन है, उसके तुरंत बाद इस्तेमाल किया हमने हिमसेल्फ प्रोनाउन का। दे देम सेल्विज एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की, देम सेल्विज। वी ओवर सेल्विज विटनेस्ड द एक्सीडेंट, वी ओवर सेल्विज, हम खुद विटनेस्ड गवाह हैं द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के। द क्वीन हरसेल्फ विजिटेड द स्कूल, क्वीन जो है रानी, विजिटेड हरसेल्फ, स्वयं ने विजिटेड, यात्रा की टू द स्कूल, स्कूल की। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सन प्रोनाउंस विच आस्क क्वेश्चंस, वे सर्वनाम जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, उनको हम पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल हु इज देयर, देखिए क्वेश्चन मार्क है, सिंबल है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, हु इज देयर, वहाँ कौन है, हु आर यू तुम कौन हो, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात करते हो, हुम, विच डू यू प्रीफर, टी और कॉफ़ी, तुम क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी और टी, तो विच। ओके स्टूडेंट्स रीड केयरफुली, थैंक यू।